वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं नवीन फ्लोरीन के बारे में। इस कंपनी का शेयर प्राइस इसके अच्छे खासे रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा टूट चुका है, तो हमें लगा कि इसके बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं इस कंपनी का। हम करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जानेंगे पूरे बिजनेस के बारे में, उसका आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्स क्या है, कौन कौन से क्या अपडेट्स आ रही हैं, बोरोइंग्स, नेट डेब्ट, वैल्यूएशंस वगैरह कैसे हैं, आगे बिजनेस कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर नवीन फ्लोरीन के बारे में। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे कौन कौन बड़े शेयर होल्डर हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ नवीन फ्लोरीन के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा कोई बात नहीं होगी जो नवीन फ्लोरीन के बारे में पता ना हो। एक करेंगे पूरा डिटेल इनसाइट और एंड में हम आपको बताएंगे कि क्या है इसमें हमारा यहाँ पे आउटलुक, यानी टारगेट प्राइस वगैरह शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। उसी के साथ अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे बीट द स्ट्रीट। ये एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, ये एक बहुत ही अलग तरह का है। इसके अंदर ऑटोमेटेड फीड सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से हम लोग न्यूज़ फीड करते हैं रियल टाइम बेसिस पे। एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो उसे ज्वाइन कीजिए। और उसी के अलावा किसी भी तरह की स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम लोग, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, किसी भी तरह की क्वेरी हम लोग यहाँ पर आपकी सॉल्व कर देंगे। चलिए बात करते हैं नवीन फ्लोरीन की। जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। देखिए, ये केमिकल कंपनी है, आप सभी को पता है किस तरह के केमिकल्स बनाती है, ये बहुत डिफरेंट है। देखिए, हर केमिकल कंपनी यहाँ पे अलग तरह के बिजनेस में काम करती है। अगर आप देखोगे तो अभी दीपक नाइट्राइट है वो बिल्कुल अलग बिजनेस में है। उसी के अलावा अभी अगर हमने बात किया, लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था अभी अतुल लिमिटेड का, उसमें बिल्कुल अलग बिजनेस है। फिर सभी कंपनीज का यहाँ पे जो बिजनेस होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए किसी भी केमिकल कंपनी को अगर आप किसी भी दूसरी केमिकल कंपनी से कंपेयर करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, वैल्यूएशंस वगैरह में आप कर सकते हैं, बट अभी जैसे आप SRF में देखोगे, SRF बहुत बड़ी कंपनी है, वो केमिकल के अलावा बहुत सारे काम करती है। चलिए फिर भी बात करते हैं यहाँ पर अभी क्या क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेशन, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स और क्रैम्स, ये चार इनके मेजर बिजनेस सेगमेंट है। रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन गैसेस होती है। अगर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर में कुछ गैसेस लगती है, वो यहाँ पे ये कंपनी बनाती है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के अंदर क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, तो इनऑर्गेनिक के अंदर ये सब तरह के अजीब अजीब नाम के केमिकल्स बनाए जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कहाँ का काम आते हैं। स्टेनलेस स्टील, ऑयल, गैस, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, एब्रेसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर एनर्जी में ये काम आते हैं। जैसे अडानी ग्रीन है ना, उसको ये सारे केमिकल्स की भी ज़रूरत होती है सोलर एनर्जी के अंदर। उसी के अलावा इन सभी की जो अगर आप देखोगे ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूँ, नवीन फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन जो केमिस्ट्री है उसके अंदर मार्केट लीडर है। ठीक है, ये कंपनी पूरी की पूरी फ्लोरीन केमिस्ट्री पे काम करती है। ये केमिस्ट्री का बहुत अलग सेगमेंट है, अपने को एज अ शेयर होल्डर इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में जाना नहीं है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन, फ्रेग्रेंसेस जैसे कि डीओ वगैरह में, हाइड्रेंट्स वगैरह में ये जो काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे एक है क्रैम्स, ये है कस्टम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक कंपनी हूँ, जैसे मान लीजिए अमन, बात करते हैं बीकाजी की। बीकाजी एक नमकीन बनाता है, ठीक है। अभी उसको नमकीन बनाने के लिए एक कुछ पर्टिकुलर कलर चाहिए, पर्टिकुलर केमिकल चाहिए या कोई टेस्ट के लिए कुछ चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी क्या करेगा बीकाजी, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करेगा कोई भी बड़ी केमिकल कंपनी के साथ और वो एग्रीमेंट होगा क्रैम्स। ठीक है, अभी क्रैम्स के अंदर क्या होता है ना, ये बहुत नाइके सेगमेंट है। मतलब ये जो पर्टिकुलर कोई केमिकल अगर बनाना होता है उसके लिए बहुत रेयर लोग होते हैं और ये जो पर्टिकुलर काम होता है ये बहुत कम जने करते हैं और बहुत कम बिजनेस के लिए करते हैं। अगर मैंने बीकाजी और नवीन का यहाँ पे एग्रीमेंट होता है तो वो ऐसा नहीं है कि 2 साल का एग्रीमेंट होगा, वो एक बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस होता है कि वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड केमिकल सर्विसेज होती है जो केवल बीकाजी के लिए काम आएगा। अगर उन्हें यहाँ पे बालाजी फेवर्स के लिए काम करना पड़ेगा तो पूरा का पूरा अलग और अलग सिस्टम होगा। तो इसलिए जो क्रैम्स वाला बिजनेस होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई मार्जिन होता है और उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है।
तो ये वाला जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा चल रहा है। हम लोग ने अगर आप देखोगे तो न्यूलैंड फार्मा और लॉरस लैब्स के बारे में जब वीडियो बनाया था तो हम लोग ने सबसे ज़्यादा क्रेम्स इंडस्ट्री पे यहाँ पे फोकस किया था, और क्रेम्स वाली जो बिजनेस है ना ये इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है और यूरोप और यूके के मार्केट से सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रेम्स की डिमांड आ रही है। और अगर आप देखोगे तो इनकी भी जो एक सब्सिडरी है मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, वो यहाँ पे यूके के अंदर है, जो यहाँ पे इंडिया की क्रेम्स की टीम के साथ यहाँ पे काम करके ये लोग ये सारे क्रेम्स के बिजनेस को बनाते। तो क्रेम्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूमिनस नहीं है, वो बहुत ही लो वॉल्यूम बिजनेस है, बट उसके मार्जिन बहुत हाई है। तो इस तरह का है। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें 27,000 कंपाउंड्स बना चुके हैं, 3,000 इनके अगर आप देखोगे आईपी प्रोटेक्टेड कंपाउंड्स है। उसी के अलावा इनके R&D वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इस बिज़नेस के अंदर है ना बहुत ज़्यादा, तो एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है इसको डेवलप करने में, और इसका कॉमर्शियल फेज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जिसको ये जानना है कि नवीन फ्लोरीन का शेयर प्राइस क्यों टूट रहा है, तो देखिए उसके 2-3 कारण हो सकते हैं जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट पहले मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए पहला कारण तो ये होगा कि प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप देखोगे उसके सभी केमिकल स्टॉक्स के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। अगर आपको नहीं पता है क्यों आई है तो आप आई बटन दबा के देख सकते हैं कि क्यों आई है वहीं पे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दूसरी चीज़ एक है ना टैक्स इफेक्ट के कारण, यहाँ पे जो मार्च 2020 में एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था टैक्स के कारण, और इसलिए मार्च 2020 के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा थे, और इसलिए अभी आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे 70% प्रॉफिट फॉल हो गया। बट अभी हम लोग आपको बताएंगे कि ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है ना, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह ना वो बढ़ा है। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, बट थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो लगे रहे। आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये हेल्दी है आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। चलिए बात करेंगे अभी एक हाईलाइट्स की फटाफट से। FY21 की हाईलाइट्स अगर आप देखोगे 1133 करोड़ का रेवेन्यू, 11% से बढ़ता है इबिटा मार्जिन, 27% रहते हैं और 19% से इबिटा बढ़ता है इनका। ऑपरेटिंग पीबीटी अगर आप बात करें, ऑपरेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है 269 करोड़ रुपीज़ है, जो 19% से बढ़ता है। वहीं पे हाई वैल्यू एंड बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, जो वो अपना क्रेम्स वाला बिजनेस है ना वो हाई वैल्यू बिजनेस के अंदर आता है। उसके अलावा जो लेगेसी बिजनेस है, जो बेसिक केमिकल्स का बिजनेस होता है उसके अंदर है। तो अभी अगर आप देखोगे 65% बिजनेस यहाँ पे क्रेम्स से आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो हाई वैल्यू जो बिजनेस है उसके अंदर 32% की ग्रोथ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर हाई वैल्यू बिजनेस बढ़ता है तो कंपनी के मार्जिन्स बढ़ेंगे, मतलब कंपनी कम रेवेन्यू में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q4 के लिए बात करें 22% से बढ़ा है, EBITDA 25% से, और यहाँ पे ऑपरेटिंग PBT 29% से बढ़ा है। मैं यहाँ पे PAT की बात नहीं कर रहा, PBT की बात कर रहा हूँ। और मार्जिन देखेंगे तो इस बार 26% रहे, जो बाकी क्वार्टर से थोड़े कम थे। हाई वैल्यू एंड बिजनेस के अंदर 31% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 64% था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी ऑपरेशनली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी, बस थोड़े बहुत अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पे कंपनी ने बोला है Q4 के अंदर यहाँ पे उनको हाई वैल्यू एंड बिजनेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला, और उसी के अलावा लेगेसी बिजनेस जो है जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो गया था। ये हाई वॉल्यूमिनस बिजनेस होता है, जब पूरी इकोनॉमी चलेगी तो इनका ये बिजनेस चलेगा, बट क्रेम्स वाला बिजनेस ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर वो जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जोमेटो को कभी केमिकल की जरूरत नहीं होती, बट मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंपनी के लिए, अगर वो कंपनी परफॉर्म करेगी तो इनका वो क्रेम्स का बिजनेस परफॉर्म करेगा। बट बेसिक केमिकल्स वाला जो है ना वो हाई वॉल्यूमिनस बिजनेस होता है, अगर फ्लोरीन की डिमांड बढ़ेगी तो वो सबके लिए बढ़ेगी, और वो तभी चलेगा जब ओवरऑल इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे बेसिक केमिकल्स और यहाँ पे जो क्रेम्स वाली इंडस्ट्री के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें ये जो परफॉर्मेंस थी लेगेसी बिजनेस के अंदर यहाँ पे जो रही है वो यहाँ पे 14% डीग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग EBITDA अगर आप देखोगे 27% है, ऑपरेटिंग PBT यहाँ पे जो मार्जिन है वो 24% का है। फिर उसी के अलावा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, जो आप देख सकते हो क्वार्टरली यहाँ पे अगर Q-on-Q बेसिस पे भी देखोगे ना तो यहाँ पे रेवेन्यू इनका बड़ा है। और वहीं पे हम बात करें लेगेसी बिजनेस के यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका रेवेन्यू बड़ा है और यहाँ पे हाई वैल्यू एंड का भी बिजनेस बड़ा है। इनके मार्जिन जैसे कि मैंने कहा कि वो स्टेबल हो गए थे और ये वाले मार्जिन भी यहाँ पे स्टेबल हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो कितना बिजनेस इंडिया से होता है, कितना इंटरनेशनल से होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया से जो बिज़नेस होता है वो 60% होता है और इंटरनेशनल बिजनेस 40% होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर यहाँ पे जो है 19% से इनका रेवेन्यू बढ़ा है और 26% से यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे जो अपना रेवेन्यू बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोला कि यहाँ स्ट्रॉन्ग ड्रिवन ग्रोथ बाय
मिक्स ऑफ न्यू ड्रिवन बाय मिक्स ऑफ न्यू कस्टमर न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट शेयर गेन। बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात हम लोग ने बोली थी कि Q4 के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट के कारण यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर उसी के अलावा कंपनी R&D कैपेसिटीज़ और ये डीप फ्लोरिनेशन एक्सपर्टाइज के कारण ये सब कर पा रही है और रोबस्ट न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें क्रैम्स बिजनेस की, जो कि सबसे खास बिजनेस है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 100% जो यहाँ पे है वो बिज़नेस इंटरनेशनल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि UK और यूरोप में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और उधर वाली जो कंट्रीज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करती है लॉरस लैब्स और जो न्यूलैंड है वो लोग, तो उनका एक जर्मनी में है और एक का US में, ऐसा कुछ है। तो ये सारी जो क्रैम्स वाली कंट्री जो है ये एक्सपोर्ट में ज़्यादा होता है। 40% अगर आप देखोगे इस बार ग्रोथ है क्वार्टरली ग्रोथ, और ईयरली ग्रोथ यहाँ पे 62% है। वहीं पर न्यू कस्टमर एक्विजिशन, जैसे कि मैंने बोला एक एक कस्टमर आने में बहुत समय लग जाता है, और यहाँ पे रिपीट बिजनेस अगर बढ़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें बिजनेस खत्म हो जाता है ना, मान लीजिए मैं बीका जी के साथ था बट अब बीका जी के साथ मेरा पार्टनरशिप नहीं रहा ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह इसमें लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ग्रुड प्रोजेक्ट फ्लोज यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कॉस्ट इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं रिपीट बिजनेस के अंदर। देखिए अभी क्या होता है कि कंपनी पहली बार जब बनाती है तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगता है, फिर वापस उसी काम को करती है तो कॉस्ट कम लगता है, तो वही कंपनी ने बताया। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 7% की डीग्रोथ है बट 16% की यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ है। इसके अंदर जो रेवेन्यू आता है 88% इंडिया से आता है और बाकी बाहर से आता है। फिर थोड़े बहुत यहाँ पे कस्टमर को इंटरनेशनल कस्टमर्स ऐड हुए हैं, बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है और यहाँ पे एंड यूज़र जो सेगमेंट्स है उसके अंदर यहाँ पे कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स डाले हैं। रेफ्रिजरेंट बिजनेस के अंदर 20% डीग्रोथ है, 4% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। उसी के अलावा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे नॉन एमिसिव एप्लीकेशन वॉज स्टडी ड्यूरिंग द क्वार्टर और ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, रेफ्रिजरेंट बिजनेस के अंदर अगर आपको थोड़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी ना तो हमें Q1 को देखने को मिल सकती है। Q1 के लिए जो सहारा है ना कंपनी का वो रेफ्रिजरेंट बिजनेस है, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा चलेगा। अभी AC वगैरह तो बिकेंगे ही बिकेंगे, आप कैसे भी कर लें, कितने लॉकडाउन लग जाए, अगर लोगों को AC खरीदने हैं तो बिकेंगे ही बिकेंगे। तो ये वाला जो बिजनेस है ना ये Q1 में अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेगा जब यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होगी। फिर वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी का मल्टी पर्पज़ यहाँ पे प्लांट एक्सपेंशन है, अगर आप देखेंगे सभी तरह के यहाँ पे एक्सपेंशन हैं, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। चलिए तो ये जो प्लान है ना, अब ये जो एक्सपेंशन है ये 194 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन है जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में। हमने बिल्कुल ऐसी सेम चीज़ अभी स्ट्रेटेजी देखी है हमने SRF के अंदर, जो कि लगभग 300-400 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दीपक नाइट्राइट भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। सभी लोग यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में अब वापस से आ रहे हैं। अभी ये जो काम होगा दहेज प्लांट जो है इनका गुजरात के अंदर वहाँ पे होगा, उसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है। और ये किस सेक्टर के लिए काम करेगा तो लाइफ साइंसेज और यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन जो है क्रॉप साइंस सेक्टर है उसके अंदर काम करेगा। इसमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू माना जा रहा है 260 से 280 करोड़ का, और ये अगले साल FY 2023 यानी 2023 में के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे चालू होने की उम्मीद है। ठीक है, ये मतलब प्रोजेक्ट कॉमर्शियलाइज हो जाएगा, बाकी काम तो चालू हो चुका है। फिर यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन है। तो देखिए अब ये जो है ना, ये एक जो एक्सपेंशन है कस्टमर के लिए किया जा रहा है जिसने इनको लगभग 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है 7 साल के लिए, जिसके अंदर अभी कैपेक्स में जो रिक्वायर है इन्वेस्टमेंट करना है वो 436 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, और ये Q4 FY 2022 में चालू होने की उम्मीद है। और वहीं पे ROC और इसके जो मार्जिन्स है वो कंपनी लेवल पे, मतलब कंपनी के जो ऑलरेडी जो मार्जिन्स है उससे ना ज़्यादा है ना कम है। वहीं पे इसकी जो ये है हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है फ्लूरो केमिकल्स के अंदर, और यहाँ पे रॉयल्टी फ्री एक्सेस है टेक्नोलॉजी, मतलब जो कंपनी यहाँ पे बनवा रही है वो अपनी टेक्नोलॉजी देगी बिना किसी यहाँ पे रुपए चार्ज किए। और इसका जो कैपेक्स होगा वो इंटरनल अक्रूवल्स और डेब्ट के थ्रू यहाँ पे वो किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो यहाँ पे कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में नहीं है, कंप्लीटली न्यू बिजनेस है, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट है। ये कंपनी बहुत इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे रेडी है। अभी करंटली यहाँ पे ये लोग एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बट आने वाले टाइम में इसके साथ और ज़्यादा बिजनेस होगा, तो एक कंप्लीटली नया यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम डेवलप हो जाएगा। और ये कब होगा, Q4 FY 2022 तक यहाँ पे माना जा रहा है कि यहाँ पे सप्लाई इसकी चालू होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये दहेज प्लांट में एक्सपेंशन होगा, और इस तरह का जो बिजनेस होता है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे लगभग यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस मिल जाएगा और एक अच्छी खासी नई रेवेन्यू स्ट्रीम डेवलप हो जाएगी। अच्छा, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ग्रीस है ना,
अभी उसको डालते हो तो मशीन से की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है ना, तो वो होता है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये जो होता है ना, ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट इसे कहते हैं। फिर उसी के अलावा इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, न्यू कैपेबिलिटीज़ लीडिंग ग्लोबल कंपनी के बारे में बताया और वो सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें। अभी बिजनेस स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहेगी, आने वाला आउटलुक क्या है और कंपनी कैसे काम करेगी, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी की जो एक पहले जो बिज़नेस था जो कि कन्वर्जेंस केमिकल था, वो इनने बेच दिया है। कन्वर्जेंस केमिकल को इनने 100% स्टेक यहाँ पे बेच दिया है। लगभग यहाँ पे जो डील थी वो 65 करोड़ प्लस यहाँ पे करीबन 7.9 करोड़ की यहाँ पे जो डील थी वो कंप्लीट हो गई है। 24 फरवरी को ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये कंपनी बेचने के बाद भी पिरामल को यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है कि रॉ मटेरियल अभी भी वो लोग फ्लोरो नवीन फ्लोरिन से लेंगे, और उसी के अलावा टेक्निकल नो हाउ का इनके पास अभी भी यहाँ पे लाइसेंस है, तो थोड़ी बहुत रॉयल्टी वगैरह आएगी। और यहाँ पे जो इनके अभी भी डील गेन से क्या होगा, जो यहाँ पे हेक्सा फ्लोरो केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म है उसके साथ यहाँ पे इनको एक्सेस मिलेगा और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी स्केलअप का रहेगा। और ये कुल मिला के इनका पार्टनरशिप है अच्छा खासा ये जो था। इसी के साथ यहाँ पे ये इनने अपना जो बिज़नेस है पूरा पिरामल को बेच दिया। पिरामल इस तरह के बिज़नेस में काफ़ी आ रहा है, उन लोग ने थोड़े टाइम पहले की API की कंपनी भी खरीदी है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी आगे की स्ट्रेटजी और आगे का आउटलुक क्या है, देखो उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि बार बोला था कि ये जो हाई वैल्यू बिजनेस है क्रैम्स और स्पेशलिटी, इसको ये बढ़ाना चाहते हैं। स्पेशलिटी के अंदर मैंने आपको बताया ये लोग अभी एक्सपेंशन ला रहे हैं, ठीक है। फिर उसी के अलावा हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के अंदर ये लोग और इस तरह की चीज़ें सोचेंगे ताकि इस तरह की नई नई कंपनीज और आ पाए। फिर वहीं पर ये लोग आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं MPP के अंदर, और यहाँ पे वैल्यूएबल डिपेंडेबल फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और यहाँ पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने की इनका पूरा प्लान है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम लोग, ये स्टैंड अलोन है। हम लोग यहाँ पे सीधा चलते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी पे। अच्छा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखोगे तो Q1Q और Y1Y चेंजेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है 336 करोड़ का रहा है, और पिछली बार जो रेवेन्यू था अपना पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ था। Q1Q और Y1Y बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ हासिल करी है। सही में अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन इस बार 25% के रहे, जो पिछली बार यहाँ पे 25.6% के थे। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पे डीग्रोथ सभी केमिकल कंपनीज में Q1Q बेसिस पे देखने मिली है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले हम लोग चलते PBT की बात करोगे, 79 करोड़ से PBT बढ़ के 62 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़ हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, जो अपन ने देखा ना टैक्स यहाँ पे जो था Q4 के अंदर 207 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक वन टाइम गेन था, ये माइनस में है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी का कैसे 62 करोड़ से प्रॉफिट 270 करोड़ हो गया था। ये वन टाइम गेन कैसे आया था, ये जो कंपनी ने अभी सरकार ने इनकम टैक्स की रेटें बदली थी तो उसके कारण वन टाइम गेन मिला था। अब वो गेन नहीं मिला तो उसके कारण अभी यहाँ पे 37.5 करोड़ का टैक्स का खर्चा आया था, और इस कारण ये आपको लोग बाग बोल रहे हैं कि 70% प्रॉफिट गिर गया। जबकि यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखोगे ऑपरेशनल लेवल पे, ये केवल एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, इससे कैश फ्लो वगैरह पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो बिजनेस है आप ऐसे देखोगे तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, और ये सारी चीज़ें हैं। वैल्यूएशंस की जरूर बात करेंगे हम लोग, और EPS और PE रेशो की भी बात कर लेंगे। अच्छा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप देखोगे बोरोइंग्स वगैरह, तो यहाँ पे बोरोइंग्स हैं अपनी, फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ बिल्कुल स्टेबल है। कंपनी इतना कुछ कर रही है फिर भी यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इसमें बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटीज़ नहीं बढ़ी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखोगे कहीं पे भी किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लगभग यहाँ पे 61 करोड़ की हैं, और वहीं पर अगर आप देखोगे करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 202 करोड़ की है। अगर इसके सामने आप देखते हो कंपनी के पास बैंक बैलेंस कितना है, तो 412 करोड़ का कैश बैलेंस है, तो मतलब नेट डेब्ट फ्री है, ठीक है ना। कंपनी में कैश ज़्यादा है और डेब्ट कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कंपनी के जो ग्रॉस डेब्ट है वो तो है 260 करोड़ का कुछ है, बट उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो 412 करोड़ का कैश लेके बैठे, तो इस तरीके से आप समझो कि कंपनी कितनी अच्छी है। अच्छा, नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ का क्या मतलब होता है, 16-33 करोड़ इनका नेटवर्थ है, जो हमें प्राइस टू बुक रेशियो निकालने में काम आएगा जब हम इसे मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिविडेंड परफॉर्मेंस जो मैं आपको बता दूं, 6 रुपये का कंपनी ने अभी डिविडेंड परफॉर्म किया दिया है, और हर बार जो इनका रहता है डिविडेंड एज अ परसेंटेज वगैरह जो रहता है, रोबस्ट डिविडेंड पे आउट यहाँ पे पॉलिसी है। कंपनी आने वाले टाइम में भी डिविडेंड पेमेंट करती रहेगी, और जिस तरीके का यहाँ पे है, और ये डिविडेंड पे आउट रेशो एज सच कुछ फिक्स तो नहीं है, बट ये कंपनी करती रहती है। और ये डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब कैसे निकाला जाता है वो सारी चीज़ें, 23% है इस बार। और यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो फाइनल डिविडेंड और ये कैसा है, 550% का एज अ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है, और ये सारी चीज़ें हैं।
चलिए इसके अलावा यहाँ पे NFL एट ग्लैंस में अपन बात करें कंपनी के प्लान्स वगैरह की, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखोगे मेजर पोर्ट से लोकेटेड है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, 50 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, रेस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेट मिला है। उसी के अलावा इंडियाज ओनली प्लांट विद हाई प्रेशर फ्लोरिनेशन कैपेसिबिलिटी विद CGMP कंप्लायंस। CGMP बेसिकली एक वो होता है रेगुलेटरी सर्टिफिकेट होता है। तो ये फ्लोरीन मैंने कहा ना आपको, ये फ्लोरीन के अंदर सबका बाप है, ठीक है। उसी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इनका जो है कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे बड़ा सूरत में प्लांट है। फिर रॉ मटेरियल सोर्सिंग ये लोग JV पार्टनर के थ्रू ही लेते हैं, और वहीं पे डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग अवे फ्रॉम चाइना से इन्होंने अपनी डिरिस्क किया है। इन हाउस R&D कैपेसिटी है इनका, नवीन रिसर्च सेंटर जो कि सूरत के अंदर है, और वहीं पर यहाँ पर फ्लोरिनेशन कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल इनका डिलीवरी वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने कैसे अपना काम चालू किया था, स्पेशलिटी केमिकल्स साल 2000 में चालू किया था, क्रैम्स वाला बिजनेस 2011 में किया था, और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ये सबसे पुराना जो बिजनेस है 1967 में जो इनका लेगेसी बिजनेस है, और ये वाला जो बिजनेस है ये इनका हाई वैल्यू एंड बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें, और कैसे कैसे अगर आप देखोगे ना स्पेशलिटी केमिकल्स और क्रैम्स का जो बिजनेस है उनने कैसे अपना गेन कर लिया हासिल, तो ये सारी चीज़ें, और यही वाले जो बिजनेस है आने वाले टाइम में काम करेंगे। और ये वाला जो बिजनेस है ना बहुत ही कम इसकी डिमांड है अभी, रेफ्रिजरेंट वगैरह और ये सारी जो है ना ये AC वेसी कोई बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा अब थोड़ी बहुत यहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह की बात करेंगे, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और हम आउटलुक बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे हमें पता पड़ेगा अभी शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे P67 का है दीपक नाइट्राइट, या फिर हम बात करें SRF की या फिर अतुल वगैरह की, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं इनका PE कितना है, 30 का PE पे काम करते लोग, ठीक है ना। ये 30 के PE के लगभग चलता है, 30 से 40 के बीच में PE होता है। 67 बहुत हाई PE स्टॉक हो गया है। EV/EBITDA रेशो 41 है जो कि बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू बुक रेशो भी हाई है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके कारण यहाँ पे अभी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। चलिए एक बार अगर आप जानना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट से भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो दीपक नाइट्राइट का PE कितना है, 31 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ऐसा जो है कि ये वैल्यूएशंस बहुत हाई थे इसके, और इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी यहाँ पे अफेक्ट करेगा हमारे जो फाइनल उसमें। और हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली पूरा बिजनेस कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है, कहाँ 256 करोड़ रुपये अभी कमा रही थी क्वार्टरली, और अभी 336 करोड़ रुपये कमा रही है, जहाँ 400 करोड़ रुपये साल में कमाती थी, साल का रेवेन्यू था, अभी 1180 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। बैलेंस शीट वगैरह आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा कैश फ्लोज वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे ना 0.3 भी अगर बेचा है प्रमोटर ने स्टेक तो बहुत बड़ी बात होती। फिर FII की बात करें, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, DII ने स्टेक बेचा है। तो ये सारी चीज़ें, DII FII हर बार आप जानते कि वो हमेशा उल्टा चलते। चलिए अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो बहुत बड़ा फंड है स्मॉल कैप शेयर्स के लिए, गोल्डमैन सैक्स का स्टेक कम हुआ है, स्मॉल कैप ने अपना स्टेक बढ़ाया है। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे बाकी सभी जो है उनमें जो लगभग ये वाला जो एक फंड है वैनगार्ड जो इमर्जिंग फंड है उसने अपना स्टेक बढ़ाया है। अच्छा अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे बात करें DII में किसने क्या क्या किया है, तो अगर आप देखोगे DII के अंदर जो L&T है उसने अपना स्टेक कम किया है, लेकिन कैनरा रोबेको ने बढ़ाया है। अभी सुंदरम ने अपना स्टेक कम किया है, किसी ने बढ़ाया किसी ने कम किया है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ट्रेडिंग पैटर्न को हमें कभी भी कॉपी नहीं करना है ब्लाइंडली, ठीक है। प्रमोटर बेच रहा है, प्रमोटर के पास तो करोड़ों के शेयर है, लाखों करोड़ों की कंपनी है, लाखों करोड़ों के शेयर है। अपन लेते हैं 10-20 हज़ार के शेयर लेते हैं, अगर वही टूट फाट जाएंगे 20-20% गिर जाएंगे तो अपना तो पूरा हिल जाता है, लाखों का तो अपना होता है कुल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कभी भी उनके ट्रेडिंग पैटर्न को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई प्रमोटर शेयर खरीदता है या फिर कोई बड़ा आदमी आता है तो अच्छी बात है, उससे इम्पैक्ट पता पड़ता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, बट साथ में थोड़ी एक बेसिक रिसर्च करके ही आपको उनको यहाँ पे अगर आप वो कोई खरीदता है तो उनके साथ साथ खरीदना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा ये जो सारे चेंजेस होते हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं। अब अगर आप देखोगे आज से एक क्वार्टर पहले नवीन फ्लोरीन का भाव तो बहुत कम था, ठीक है ना। तो अभी अगर किसी ने वैनगार्ड ने या स्मॉल कैप फंड ने मान लीजिए 2500 रुपये पर लिया होगा और आज आप यहाँ पे 3600 रुपये पर खरीद लो तो आपको तो हो गया ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको एग्जैक्ट कभी बाइंग प्राइस पता नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे ब्लॉक डील हो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा अब यहाँ पे बात आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस की, वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा टेक्निकल्स में अगर हम बात करें ना तो थोड़ा अभी ये टेक्निकली बेयरिश मोड में जा चुका है, और दूसरा कुछ फंडामेंटल्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टूट टूट चुका है और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है।
अच्छा इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सीधा 2900 रुपये का सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 3760 का है। तो मतलब ये लेवल्स बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे वाले हो गए। और सीधा जो सपोर्ट लेवल एक और दिख रहा है वो 1513 का है और बीच में 2400 का है। तो अभी क्या मैं आपको बोलता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, देखो लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर होल्डर्स हैं अगर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार वो निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े हाई है। 67 के पी पे अगर ये कोई शेयर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ी अलग बात हो जाती है। अगर आप इसको वन टाइम गेन को भी हटा दो तो 45-40 तक पी आएगा, फिर भी ये वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। बट आप इसको क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाओ। अभी जो अगला जो सपोर्ट है ना 2900, अगर वहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर उसको एक बार ये बाइंग कैंडिडेट बनेगा आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात ये है कि क्वार्टर वन के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े ख़राब होंगे, क्योंकि अपने लॉकडाउन होने के कारण इंडिया से इनका इतना सारा बिजनेस होता है तो यहाँ पे ओवरऑल जो बिज़नेस है वो अफेक्ट होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आएंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन सकती है आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लोग बाग एक बार बाहर हो जाए, वो यहाँ पे 2700-2800 तक का वेट करे, तभी जाके कुछ होगा। अच्छा शॉर्ट टर्म के जो रिजल्ट वगैरह वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं अब उनको यहाँ पे इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि इतना मोमेंटम नहीं बन रहा है। अच्छा एकदम से कोई स्टीप फॉल आ जाए तो थोड़ी बहुत यहाँ पे पुल बैक देखने मिल सकता है मीडियम टर्म के लिए। तो अगर जैसे कि अभी किसी को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने ले रखा था तो वो हो सकता है एक दो दिन यहाँ पे वेट कीजिए, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मेरे को लग रहा है पुल बैक आने के चांसेस हैं, क्योंकि इतने इतने लगातार यहाँ पे शेयर प्राइस टूट गई 3600 से सीधा 3200 आया, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे एक अपटिक देखने मिल सकती है। बट वैल्यूएशंस थोड़े कंसर्न है, बाकी कंपनी का जो आउटलुक है और कंपनी का बिजनेस है बिल्कुल ही एकदम नाइके बिजनेस है, ये सभी से अलग है। हर केमिकल कंपनी का बिजनेस बिल्कुल अलग होता है, सभी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी आप केमिकल स्टॉक्स का भी यहाँ पे एनालिसिस आई बटन दबा के देख सकते हैं। और बाकी विजिट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, जहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। अच्छा कॉन कॉल रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे हम लोग यहाँ पे पिन कमेंट डाल देंगे, जहाँ पे आप पूरा कॉन कॉल अपडेट देख सकते हैं। ओवरऑल कोई मेजर यहाँ पे कॉन कॉल अपडेट नहीं था एज सच, तो हम लोग ने इसके बारे में इतनी बात नहीं करी है। बाकी सभी कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में कुछ बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा कॉन कॉल के लिए जो अपडेट वो है, जो अपडेट है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी नवीन फ्लोरीन के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के डिटेल्ड और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।